आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजेवन में एक अभी हाल ही में नया SME IPO आया हुआ है। तो इस IPO में एप्लीकेशन लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको एंजेवन एप्लीकेशन पे आना है। एंजेवन एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो मैंने फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिए डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट एंजेवन के साथ ओपन करें और यहाँ की बेस्ट ऑफर और बेस्ट सर्विस का फ़ायदा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सामने ही मिल जाता है IPO का ऑप्शन। मैं IPO के ऑप्शन पर यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा तो यह मुझे IPO के पेज पे लेके जाएगा। और यहाँ पे अभी जो IPO आया हुआ है जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्विक टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एक IPO आया हुआ है, क्विक टच टेक्नोलॉजी का SME IPO है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे IPO की डिटेल ओपन हो जाती है। अब IPO के बारे में हम जानकारी निकाल लेते हैं। तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्विक टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड SME नाम से IPO है और यह कंपनी IT सर्विस एंड कंसल्टिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। इस IPO में एप्लीकेशन लगाने के लिए हमें मिनिमम 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी, जिसके लिए जो इसका प्राइस रेंट सेट किया है 61 रुपीज़ की सेट की है पर इक्विटी शेयर्स का, जिसके लिए मैक्सिमम क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी हमें 1 लॉट के लिए ही यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी है। मतलब कि एक लॉट के लिए यहाँ पे हमें 2000 शेयर कम से कम और अधिकतम यहाँ पे 2000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन लगानी है। और हमारे अकाउंट से जो मिनिमम या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है जो है ये 1,22,000 रुपीज़ लगेगा। इस IPO में किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस IPO के माध्यम से कंपनी 9,33,00,000 रुपये जुटाना चाहती है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि कंपनियों का लिस्टिंग गेन प्रेडिक्टर के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। तो यह IPO 0.34 times ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। एंजेवन में इसमें सब्सक्रिप्शन का कोई भी नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही IPO के डिटेल के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे IPO की डिटेल देखने को मिलती है। यह IPO 18 अप्रैल से ओपन हुआ है, 21 अप्रैल को IPO बंद हो जाएगा, 26 अप्रैल को इस IPO का अलॉटमेंट आ जाएगा और 2 मई को इस IPO की लिस्टिंग NSE प्लेटफॉर्म पर होती हुई SME प्लेटफॉर्म पर होती हुई हमें नजर आएंगी। कंपनी के बारे में यहाँ पे आपको कुछ जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आप इस IPO में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको कंपनी के बारे में यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि कंपनी कहाँ से स्थित है, जैसे कि कंपनी कोलकाता में स्थित है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, इस कंपनी के कौन कौन से कंपटीटर्स है, ये कंपनी को कौन कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलना चाहिए। इसके बाद किसका ऑर्डर वो कितना बड़ा है, ये सारी कुछ अपडेट होना चाहिए। इसके साथ ही इसका हमें स्ट्रेंथ पॉइंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसके पॉजिटिव स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हम किसी भी IPO में पैसा लगा रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पे 3 पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इन 3 पॉजिटिव पॉइंट का आप विश्लेषण करके आप इस IPO में चुन सकते हैं कि इसमें हमें पैसा लगाना कितना ठीक है। इसके साथ ही रिस्क के 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, इनको देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि कंपनी में क्या क्या कमियाँ हैं। अगर हम यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा रिस्क में तो नहीं जाएगा, ये सारी बातें आप देख सकते हैं। इसके ये सारी बातें देखने के बाद आपको यहाँ पे अगर वो अधिक डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे एक PDF डाला हुआ है क्विक टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, आप इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे IPO बटन है, इस IPO बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे 1 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहता हूँ और यहाँ पे जो प्राइस है ये 61 का प्राइस मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा। इन्वेस्टर्स प्राइस इसका रिटेल रहेगा। डीमैट अकाउंट मेरा यहाँ पे मेंशन रहेगा, UPI ID आप जिस भी UPI ID का यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम पे, गूगल पे, आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आपको नीचे अप्लाई नाउ के बटन देखने को मिलेंगे और आपको सेविंग अकाउंट में जितना फंड होना चाहिए, मतलब 1,22,000 आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि आपका जो फंड है ये आपके सेविंग अकाउंट से ही ब्लॉक होगा। अब मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर IPO पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कंफर्म बिट का ऑफर का विंडो आता है, इसको मैं प्रोसीड कर दूंगा। मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। जैसे मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होता है तो मैं अब यहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस होने के बाद, अभी मेरा ऑर्डर की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं है क्योंकि मेरे UPI पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे मुझे जब तक कि मैं क्लिक नहीं करूँगा, वेरीफाई नहीं करूँगा, तब तक कि मेरा फंड सेविंग अकाउंट से ब्लॉक नहीं होगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा मेरा फंड ब्लॉक हो जाएगा, उस समय मेरी जो प्रोसेस है कम्प्लीट होंगी। दोस्तों अगर आपको IPO का अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके सेविंग अकाउंट से फंड डिटेक्ट होकर आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाते हैं। अगर आपको IPO का अलॉटमेंट नहीं होता है तो विद इन अ डे में आपके अकाउंट में वो फंड रिलीफ हो जाता है। तो इतना सेफ्टी रहती है IPO में इन्वेस्टमेंट करने में। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग, नमस्कार।